हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, तारेगना बिहार के मसौढ़ी में स्थित एक छोटा सा खूबसूरत जगह है जो कि पटना से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा माना जाता है कि तारेगना में सबसे पहले आर्यभट्ट, जो कि तारों की गणना करते थे, उन्हें तारों की गणना करने में बहुत ही ज़्यादा सहूलियत और आसानी होती थी। और ऐसा माना जाता है कि तारेगना का जो स्थल है वो भौगोलिक और खगोलीय दृष्टि से बहुत ही बेहतर है, और इस वजह से इस जगह का नाम तार की गणना करने के लिए तारेगना रखा गया था। तारेगना में आवागमन के कई सारे साधन हैं, जैसे कि सड़क मार्ग और रेल मार्ग। रेल मार्ग में तारेगना में एक रेलवे स्टेशन भी मौजूद है। दोस्तों, तारेगना रेलवे स्टेशन पटना गया लाइन पर स्थित एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है, और ये रेलवे स्टेशन नेशनल हाईवे 83 जो कि मसौढ़ी से होकर गुजरती है के बगल में बना हुआ है। तो आइए जानते हैं तारेगना रेलवे स्टेशन के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। दोस्तों, तारेगना रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के दानापुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। तारेगना रेलवे स्टेशन के नज़दीकी बड़े रेलवे स्टेशनों में जहानाबाद रेलवे स्टेशन 16 किलोमीटर, पटना जंक्शन 29 किलोमीटर, पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन 37 किलोमीटर, दानापुर रेलवे स्टेशन 38 किलोमीटर, फतुहा जंक्शन 46 किलोमीटर, सोनपुर जंक्शन 49 किलोमीटर, हाजीपुर जंक्शन 54 किलोमीटर, गया जंक्शन 63 किलोमीटर, आरा जंक्शन 66 किलोमीटर, बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन 70 किलोमीटर इत्यादि मुख्य रूप से शामिल है। दोस्तों, तारेगना जंक्शन रेलवे स्टेशन में 2 प्लेटफॉर्म और 4 रेलवे ट्रैक है। तारेगना रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड TEA है। ये रेलवे स्टेशन आज से लगभग 124 वर्ष पूर्व यानी कि सन 1900 में खोला गया था, और ये रेलवे स्टेशन पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड रेलवे स्टेशन है। तारेगना रेलवे स्टेशन में ट्रेन संबंधित पूछताछ के लिए 139 पर डायल किया जा सकता है। दोस्तों, पटना गया रेलखंड के तारेगना रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में शामिल किया गया है, और इस स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। स्टेशन पर फ्री वाईफाई की सुविधा के साथ लिफ्ट, LCD डिस्प्ले, मॉडर्न शौचालय और CCTV कैमरे लगाए जाने की योजना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमृत भारत स्टेशन योजना में देश के 1000 से भी अधिक छोटे स्टेशनों को अपग्रेड और रिन्यूअल किया जा रहा है, जिसमें हाईटेक प्लेटफॉर्म, पदयात्रा हेतु विशेष मार्ग, सुनियोजित पार्किंग, स्टेशन तक पहुंचने वाले सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त कराना, सड़कों का चौड़ीकरण, एग्जीक्यूटिव लाउंज और बिजनेस मीटिंग सुविधाओं से लैस स्टेशन बिल्डिंग, सर्कुलेटिंग एरिया को बढ़ाना इत्यादि शामिल है। और इस योजना के तहत तारेगना रेलवे स्टेशन को भी सेलेक्ट किया गया है। तो दोस्तों, इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, गया को सन 1900 में ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के द्वारा पटना गया लाइन द्वारा पटना से जोड़ा गया था। गया से जहानाबाद तक 2002 से 2003 में विद्युतीकरण किया गया था, और पटना गया लाइन का विद्युतीकरण 2003 में पूरा हो गया था। तारेगना रेलवे स्टेशन की ऊंचाई समुद्र तल से 62 मीटर यानी कि 203 फीट है। दोस्तों, तारेगना रेलवे स्टेशन एक NSG-4 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है, जिसका मतलब यह है कि इस रेलवे स्टेशन की वार्षिक कमाई 10 करोड़ रुपए और 20 करोड़ रुपए के बीच में है, जबकि सालाना यहां से आने जाने वाले यात्रियों की संख्या 20 लाख से ज़्यादा और 50 लाख से कम है। बात अगर ट्रैफिक की करें तो तारेगना रेलवे स्टेशन से रोजाना 10,000 से 15,000 के बीच में लोग आवाजाही किया करते हैं। वहीं ट्रेनों के परिचालन के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस रेलवे स्टेशन पर लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों को मिलाकर टोटल 40 से 45 ट्रेन रुकती हैं। तारेगना रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनों में 14224 बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस, 18625 हटिया पटना एक्सप्रेस, 13348 पलामू एक्सप्रेस, 23347 सिंगरौली पटना लिंक एक्सप्रेस, 28624 बड़का काना राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, 18623 राजेंद्र नगर पटना हटिया एक्सप्रेस, 13329 गंगा दामोदर एक्सप्रेस,
86-23 पटना रांची स्पेशल, 32-11 पटना धनबाद स्पेशल इत्यादि मुख्य रूप से शामिल है। दोस्तों स्वच्छता की बात की जाए तो स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के एक रिपोर्ट के अनुसार तारेगना रेलवे स्टेशन का साफ सफाई के मामले में पूरे भारतवर्ष में 157वां स्थान है। तारेगना रेलवे स्टेशन में उपलब्ध प्रमुख सुविधाओं में टिकट काउंटर, वेटिंग हॉल, सीटिंग शेड, फुट ओवरब्रिज, टी स्टॉल, फूड स्टॉल, पार्किंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इत्यादि मुख्य रूप से शामिल है। दोस्तों तारेगना रेलवे स्टेशन से तारेगना बस स्टैंड की दूरी महज आधा किलोमीटर की है, जहां से आसपास के कई महत्वपूर्ण शहरों जैसे कि गया, पटना, दानापुर, बख्तियारपुर, जहानाबाद इत्यादि स्थानों के लिए बस मिल जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको तारेगना जंक्शन रेलवे स्टेशन के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आगे फ्यूचर में भी इसी तरह के अपडेट हमारे चैनल से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, और अगली वीडियो आप किस शहर की देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर रहेंगे हाजिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।